नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर कराया प्रसव, जननी सुरक्षा योजना का फिर उड़ा मखौल। फायरिंग और लूट से कटघरे में आई कानून व्यवस्था, व्यापारियों ने दुकानें की बंद। हंगामे के साथ बजट सत्र का हुआ आगाज, राजेंद्र राठौड़ और तिवाड़ी में हुई नोकझोंक। छात्राओं ने नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन, पीजी कक्षाओं की उठाई मांग। और अब समाचार विस्तार से। अलवर के जनना अस्पताल में एक बार फिर जननी सुरक्षा योजना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां आज चिकित्सा कर्मियों की अनदेखी के चलते एक प्रसूता की जान संकट में आ गई, वहीं उसका प्रसव अस्पताल के बाहर साइकिल स्टैंड पर करने की नौबत आ गई। आज सुबह अलवर के बगड़तिराह निवासी साहिब की पत्नी रेखा को प्रसव के लिए महिला चिकित्सालय लाया गया था। आरोप है कि मौके पर मौजूद स्टाफ ने लापरवाही बरतते हुए प्रसूता को भर्ती नहीं किया। एक घंटे तक प्रसव पीड़ा झेल रही प्रसूता को आखिरकार उसके परिजन वापस ले जाने लगे, तभी अस्पताल के बाहर स्थित साइकिल स्टैंड के समीप प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान प्रसूता के ससुर ने ही प्रसव करवाया। इसके बाद प्रसूता की हालत गंभीर देखते हुए आनन फानन में महिला चिकित्सालय प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद अब जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए गए हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लापरवाही की गई, जिससे प्रसूता की जान भी जा सकती थी। साथ ही मजबूरन प्रसूता के ससुर को प्रसव कराना पड़ा। सर, उतर क्या हम आए थे सुबह लेके 5:30 बजे, उसने क्या किया कि भाई आप यहाँ लेट जाओ, लेट के उसने किया कि मैं अभी आती हूँ। वो जच्चे के दूसरे पे लग गए, समय उसके दर्द ज्यादा होने लग गए, हम घबरा गई, हमने कभी ये काम देखा नहीं था। फिर हमने बाहर ले आई थी लड़की को लाकर, और यहाँ पर आते इस पेड़ के नीचे आके बच्चा हो गया। आई तो थी ये, पर पहुँचे नहीं है। इतने इतने तो उसके पिता मेरे घर वाले ने बच्चा पैदा कर दिया। अब क्या करेगा, आँख मीच के तो करना ही पड़ेगा, सब मारा तो जागा नहीं। वहीं संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भगवान साहे का कहना था कि उन्हें इस संबंध में कोई विशेष जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं मामले की जानकारी कर संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये जो घटना है आप लोगों से मेरे को प्राप्त हुई है, वहाँ से अभी तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि कोई डिलीवरी बाहर हुई है। और अगर मान लो बाहर हुई है तो उसकी जाँच करवाएंगे, क्यों हुई है, क्या कारण रहा है उसका। जनरल अस्पताल में इमरजेंसी में डॉक्टर उपलब्ध रहता है, स्टाफ उपलब्ध रहता है, उसके बावजूद अगर पेशेंट को अटेंड नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है, इसकी जांच करवाएंगे, जो भी दोषियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि अलवर का महिला चिकित्सालय जननी सुरक्षा योजना की धज्जियां उड़ाने के लिए कुख्यात है। यहां पहले भी कई प्रसूताओं की जान के साथ खिलवाड़ हो चुका है, इसके बावजूद हर बार जांच करने की बात कहकर मामले पर लीपापोती कर दी जाती है। अलवर जिले के नीमराना कस्बे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से सिर्फ 200 मीटर दूर हुई लूट की घटना ने बदमाशों के बुलंद हौसलों को दर्शाया है, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। नीमराना में कल शाम सशस्त्र बदमाशों ने एक ज्वेलर और किराना व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया और करीब 25 लाख के जेवरात सहित 1,80,000 की नकदी लूट कर ले गए। घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने उनसे हाथापाई की। वारदात के विरोध में व्यापारियों ने सोमवार सुबह बाजार और प्रतिष्ठान बंद रखे, इसके अलावा रास्ता भी रोका। स्थानीय लोगों में इस वारदात को लेकर काफी रोष है, वहीं अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
वारदात औद्योगिक क्षेत्र के श्री कृष्ण टावर स्थित योगेश ज्वेलर्स एवं किराना व्यवसायी की दुकान पर हुई थी। सीसीटीवी की फुटेज में सामने आया कि सफेद रंग की कार में आए 4-5 नकाबपोश बदमाशों ने दोनों दुकानों पर एक साथ धावा बोला। ज्वेलर्स कैलाश चंद और किराना व्यापारी दामोदर खंडेलवाल के पैरों में गोली मारी और करीब आधे घंटे तक लूटपाट करने के बाद फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी की पत्नी ने लुटेरों से संघर्ष करने की कोशिश की। घटना के संबंध में घायल ग्रीन हिल्स नीमराना निवासी कैलाश चंद के बेटे योगेश भारद्वाज ने मामला दर्ज कराया है। घायल व्यापारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैंने मुझे बेटा दो कस्टमर बैठे हुए थे, तीन एकदम कुछ हैरानी का खुला ही था, एक का तो तीन एकदम वो पिस्तौल जी आगे लगा दी, जो भी बैठो तो वो जो लिखा दो, हमने बोला ले लो ले लो, सास भी किया उनका बाहर धक्का दे करके बेटे को नीचे धकेलने की कोशिश की, उसको बचाने के लिए प्रयास उसने फिर गोली चला दी, एक तक पकड़ भी लिया था, पकड़ने के बाद निकल गए, फिर दूसरे के बाद तीन को देख लिए थे, पैरों गोली मार दी। प्रारंभिक छानबीन के बाद पुलिस मान रही है कि वारदात में हरिया गैंग के बदमाशों का हाथ है। यह गैंग भिवाड़ी क्षेत्र में सक्रिय है। कुल मिलाकर नीम राणा में एडिशनल एसपी कार्यालय के पास हुई इस वारदात के बाद से व्यापारी दहशत में है। यूपी के काकोरी में एक शख्स पर 8 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस बीच इस शख्स की पत्नी ने रिवॉल्वर से फायर कर हमलावरों को भगाया। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया है और जल्द ही हमलावरों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस शख्स पर हमला किया गया उसका नाम आबिद अली है। सीसीटीवी में एक शख्स आबिद के घर की डोर बेल बजाता है। आबिद आकर अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। इसी बीच 8 नकाबपोश आते हैं और आबिद पर हमला कर देते हैं। एक शख्स ने डंडे से भी आबिद पर कई वार किए। इसी बीच आबिद की पत्नी रिवॉल्वर लेकर आई और एक फायर किया। हमलावर तुरंत वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद आबिद पत्नी से रिवॉल्वर लेकर एक फायर करते हैं। वहीं पीड़ित ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सामने आया कि अब्दुल शकीर अंसारी ने 2016 में 11 महीने के एग्रीमेंट पर घर किराए पर दिया था। इसके बाद आबिद न किराया दे रहा था और न ही मकान खाली कर रहे थे। विवाद इसी बात पर हुआ बताया गया है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सोमवार सुबह हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल कल्याण सिंह ने सुबह 11 बजे जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेसी विधायकों और निर्दलीय विधायकों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। सत्र शुरू होते ही निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसानों की कर्ज माफी और कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। इस दौरान राज्यपाल अपना पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाए थे। अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़ने के बाद इसे पूरा पड़ा हुआ मान लिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जैसे ही विधायकी कार्य शुरू हुए, वैसे ही भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए हाल ही आए अनेक लोक सेवकों संबंधी कानून पर बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने भी इस कानून को लेकर राज्य सरकार को घेरा। इसी बीच कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा भी बोलने लग गए। इस पर उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस इस तरह का कानून महाराष्ट्र में पारित करवा चुकी है। इस पर डोटासरा ने कहा कि आप राजस्थान की बात करो, यहां काले कानून ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और भाजपा 17 विधानसभा सीटों पर जीरो हो गई है। इसके बाद गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिस कानून को काला बताया जा रहा है वह पहले ही लैप्स हो चुका है, लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट आनी बाकी है, अब प्रवर समिति की राय के अनुसार ही निर्णय होगा। वहीं काले कानून के खिलाफ भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने वॉकआउट किया। बाद में प्रवर समिति के समय को बहुमत के साथ बढ़ाया गया।
अलवर के गोरी देवी महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर एबीवीपी और छात्र संघ की छात्राओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। कॉलेज गेट पर मौजूद छात्राओं द्वारा महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। छात्र संघ अध्यक्ष लता भोजवानी का कहना था कि यदि जल्द ही पीजी कक्षाएं शुरू नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। आज छात्र संघ एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाविद्यालय को पीजी करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। हमारे कॉलेज में सिर्फ 4 विषयों में पीजी है। एमए के 4 विषय है, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, 4 विषयों में पीजी है। लेकिन हम लोगों का ये मानना है, सभी छात्राओं का ये मानना है कि सभी विषयों में जो है पीजी होना चाहिए, क्योंकि छात्राओं की ये मांग है। और अभी राजस्थान सरकार के बजट की घोषणा होने वाली है, हमें नहीं पता कि सरकार का हमारे कॉलेज की तरफ ध्यान है कि नहीं है। तो हम सरकार का ध्यान यहाँ की तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में वास्तव में पीजी की जरूरत है। और इस मौके पर एबीवीपी इकाई अध्यक्ष सोनिया पहाड़ी, छात्र संघ उपाध्यक्ष मोनिका राठौड़, एकता जाटव और योगिता आदि मौजूद रही। अलवर के रामकृष्ण कॉलोनी स्थित मधुसूदन सेवा आश्रम में 5 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का समापन हो गया। इस दौरान रथ यात्रा भी निकाली गई। बग्गी में सवार होकर भगवान का भ्रमण करवाया गया। भगवान वेंकटेश की सवारी शहर में कई स्थानों से होकर निकाली। इस दौरान जगह जगह भक्तों ने भगवान की आरती उतारी। भ्रमण यात्रा में आचार्य सुदर्शनाचार्य सहित काफी भक्त गण भी मौजूद रहे। पावन कल्याण महोत्सव ब्रह्मोत्सव के तहत आज समापन के दिवस में भगवान नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। कल्याण उत्सव था, आज नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। काठकुआ क्षेत्र में श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम अलवर में 1 फरवरी से 5 फरवरी तक आयोजित इस दिव्य ब्रह्मोत्सव का आज समापन दिवस है। अभी 10 बजे से सवारी प्रारंभ होकर 1 बजे मंदिर में वापस आएगी और फिर उसके बाद भंडारा प्रसाद प्रारंभ होगा। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की करारी हार के बाद अंतर राज्य जल वितरण समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहताश शर्मा ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने हार का बड़ा कारण विधायकों की दादागिरी और घमंड को बताया। साथ ही यह भी कहा कि जिला मुख्यालय वाले विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर के जन विरोधी माहौल से पूरे संसदीय क्षेत्र पर असर पड़ा है। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रोहिता शर्मा ने कहा कि उपचुनाव ने खासकर उन विधायकों को बड़ा झटका दिया है जो जनता के सुख दुख से दूर हो गए थे। विधायकों ने सही नहीं बरता और उनके बड़बोलापन के कारण ये सब घटनाएं बड़बोला बहुत रहे, चाहे बोल गए और प्रैक्टिकली उसका नहीं हुआ। इन्हीं कारणों के चलते लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ जनता ने वोट किया है, लेकिन यह कांग्रेस के नेताओं के लिए खुश होने वाला परिणाम नहीं है। जनता ने भाजपा पार्टी के नेताओं को झटका देकर चेताया है, जिससे वे समय रहते संभल जाएं। आम जन का विश्वास आज भी भाजपा में है। उन्होंने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को मिले टिकट के सवाल पर भी कहा कि प्रत्याशी चयन में नेताओं में गुटबाजी रही। कुछ ने निजी स्वार्थों के कारण राय दी और पार्टी हित से दूर चले गए। इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी यहाँ ये देखने को मिला है कैंडिडेट के सिलेक्शन में गुटबाजी उभर कर आई
और स्पष्टतः अच्छे कैंडिडेट के बारे में कम राय दी गई। निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर हमने जो राय दी वो राय पार्टी के हित की राय नहीं थी, वो निजी स्वार्थों के हित पर राय थी। इस जिसके कारण भी हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मैं दूसरा निवेदन करना चाहूँ कि अभी एक साल अभी चुनाव का बाकी है और ये हमारे लिए अलार्म है। मैं आपको मैं कांग्रेस वालों को इस बात की चुनौती देना चाहता हूँ कि इतना काम जो हमने किया इतना कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने आखिरी दिनों में जब वो 2013 का चुनाव से पहले कांग्रेस जब शासन में थी तो उन्होंने जम करके खजाने को लुटाया। लत्ता ले लो, लुगड़ी ले लो, बल्ब ले लो, साड़ी ले लो, उसका क्या नतीजा निकला? जीरो हो गए। हमने विकास के कार्य किए, हमने कोई मुफ्त बल्ब नहीं बांटा। उन्होंने यह भी कहा कि इस उपचुनाव में मेरी नहीं बड़ बोले नेताओं की चली है। उनका यह भी कहना था कि जनता का सही फीडबैक शीर्ष नेताओं तक नहीं पहुंचने दिया। राजस्थान उपचुनाव में विजयी हुए कांग्रेसी सांसदों और विधायक ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान अलवर सांसद करण सिंह यादव, अजमेर सांसद रघु शर्मा और मांडलगढ़ विधायक विवेक धाकड़ मौजूद रहे। उन्हें राहुल गांधी ने जीत की शुभकामनाएं दी। वहीं इसके अलावा यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। हालांकि इस मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर नहीं आए, जिसको लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर कराया प्रसव जननी सुरक्षा योजना का फिर उड़ा मखौल। फायरिंग और लूट से कटघरे में आई कानून व्यवस्था, व्यापारियों ने दुकानें की बंद। हंगामे के साथ बजट सत्र का हुआ आगाज, राजेंद्र राठौड़ और तिवाड़ी में हुई नोकझोंक। छात्राओं ने नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन, पीजी कक्षाओं की उठाई मांग। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।